आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में जान रहे हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए वन है और यहाँ पे वन लिखा हुआ, राइट। तो मेरे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला होता है। अगर मैं वन एंड वन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? A1, मतलब कि पहला रो एंड पहला कॉलम। अगर मैं कॉलम तीन कर दिया तो आपका C1, और कॉलम को पांच किया तो ये आपका C5, मतलब यहाँ। मतलब मुझे C5 नहीं चाहिए, मुझे C5 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा इनडायरेक्ट का, इक्वल इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पे मैं C5 को सेलेक्ट करके एंटर मारूंगा तो रिजल्ट 0 आ रहा है। क्योंकि तो अगर मैं इसको जनरली सम में करूंगा तो सम इसका रिजल्ट नहीं देगा। अब एक चीज देखिए, समझिए कि आपका इनडायरेक्ट, इसका एड्रेस का फॉर्मूला तो एड्रेस बनाता है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है। मान लीजिए मेरे पास A1 में एक वैल्यू डली हुई है। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल A1 लिखा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं A1 लिख दूं और मैं बोलूँ कि यहाँ पे A1 की वैल्यू आ जाए, मतलब यहाँ जो एड्रेस लिखूँ उस एड्रेस का वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो ऐसा करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम कॉमा लगाते हैं, किसका? इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट, और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने 95 शो कर देता है। ठीक है सर, अब इसका बेनिफिट क्या है? चलिए इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। उसके लिए मुझे छोटा सा डेटा बनाना, छोटा डेटा पे आपको पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। ये रिजल्ट, ये डेटा है हमारे पास। मुझे अब इस डेटा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ क्वार्टर वन। तो मुझे मान लीजिए कि ओम का क्वार्टर वन का टोटल चाहिए, पर प्रॉब्लम यह है कि क्वार्टर वन 3 मंथ में है और मेरे पास ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसमें हम इसका यूज कर सकते। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से वन को अलग करूँगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वन हमारा अलग हो। अब मैं चाहता हूँ यहाँ वन आए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ वन आए तो जैन आए, टू आए तो अप्रैल आए, थ्री आए, तो मैं हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ, हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ यहाँ हम चाहते हैं। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए यहाँ हम चूज का फॉर्मूला अपनाएंगे। चूज तो सिलेक्ट कर लिया और मैनुअली जैन फैमिली मंथ अप्रैल होगा ना, अप्रैल, और अप्रैल के बाद यहाँ का जुलाई, इस जगह पे होगा हमारा अक्टूबर। तो वन आया तो जैन, टू आएगा तो फैब, इस तरह से आ जाए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ और इस ओम का रो नंबर मैं यहाँ ढूंढता हूँ। मैच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है, और किसी वैल्यू को सर्च करके उसका रो या इंडेक्स नंबर निकालता है। जैसे कि देखिए, इसने ओम का 7 नंबर रो काउंट निकाल दिया, 7 नंबर। अब मैं इसी में
जैन का भी सेम ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैच का कोमा लगाता हूँ, मैच में जनवरी को लेता हूँ और लुकअप एरे में ये पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कॉमा 0। तो ये दो आ गए, मतलब 7 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम से डेटा हमारा स्टार्ट है। अब मैं यहाँ एड्रेस बनाऊंगा कि एड्रेस 7 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम। मुझे स्टार्टिंग पता चल गया B7, क्योंकि यहाँ रहा B7 21। और फिर मुझे B7 से टोटल चाहिए क्या, कहाँ चाहिए? तो यहाँ भी वापस हम एड्रेस का फॉर्मा लगा रहे हैं। एड्रेस में हमारा रो नंबर, इस बार जो कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर में मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, बट 2 में +2 कर देता हूँ ताकि D7 मतलब कि जो हमारा मार्च है उसका रिजल्ट आ जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम सम का फॉर्मा लगाते हैं, जैसे इक्वल सम का फॉर्मा लगाया और सम के फॉर्म में डेटा सेलेक्ट करते हैं तो B2 से D2 इस तरह से इस फॉर्मेट में आता है, तो हमें भी इस फॉर्मेट में लाना चाहिए। तो इसके लिए हम दोनों को कॉनकेट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं कॉनकटा ने, इन्वर्टर को हम इसको सेमी कॉलम दिया, फिर अगेन कॉनकेट और हम D7 को सिलेक्ट कर लेंगे एंटर। B7 से D7 आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बट इसका सम कैसे करें, क्योंकि अगर हम सम के अंदर में मैनुअली अगर D7 से B7 करता हूँ तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ अगर सम किया और सम में इसको सेलेक्ट करके एंटर मारा रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि सम कतई नहीं समझ पा रहा है कि B7 से D7 एक रिजल्ट है, वह एक रेफरेंस है ना कि कोई टेक्स्ट है। तो यहाँ हम जो है इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट देखिए 188 आपको दिख रहा है। दिख रहा है सर? बट ये इतना सारा में आया, अब इसको कंबाइन करके करते हैं। तो यहाँ राइट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता और यहाँ जहाँ पे C12 है वहां पे पेस्ट कर दिया। फिर चूज को कॉपी करता हूँ, जहाँ पे हमारा मैच है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया, तो मतलब इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद वापस इस मैच को कॉपी किया, जहाँ हमारा B13 पे है वहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ भी हमारा B13 पे है तो यहाँ पेस्ट कर दिया, मतलब कि मैं इसको डिलीट कर सकता। तो यहाँ यहाँ दोनों जगह पेस्ट कर दिया। अब बारी आती ऊपर वाली इस मैच को लेता हूँ और यहाँ जहाँ हमारा E12 है उसके जगह पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी जहाँ यहाँ भी E12 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं फिर वापस इस वाले एड्रेस को कॉपी किया,
देखिए, अगर किसी चीज के लिए फॉर्मूला नहीं है, इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर हम फॉर्मूला को बना देते हैं, ठीक है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं। और फिर इसको हम यहां से इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, और फाइनली हम इस फॉर्मूले को लेते हैं और यहाँ पे कॉपी, और जो यहाँ है ई था तीन, इसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ इसको डिलीट करते हैं, इसको उठा कर यहाँ रख देते हैं। ओम के जगह पे मैं यहाँ पे हिंदू करूँ, हिंदू का रिजल्ट आ जाएगा, रवि करो तो रवि का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आया सर कि नहीं सर? तो किसी को डाउट इसमें? सर ये जो फॉर्मूला को कॉपी करके और E13 में रखा सर, उसको E13 को उसको रिमूव करके रखा या बस वहां पेस्ट कर दिए हैं सर? रिमूव करके रखा या फिर डबल क्लिक करके हटा दीजिए, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ये सर। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल जो है इस हम वी लुकअप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है सर? सर क्या बोले सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? ये सीट और रिकॉर्डिंग सर ग्रुप में थोड़ा सेंड कर ठीक है, दीजिए थोड़ी सर। थोड़ी देर में भेज दे।